मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के बीएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी के प्राचार्य विमुक्ता शर्मा जिंदगी की जंग हार गई हैं। 5 दिन पहले उन्हें पेट्रोल डालकर जिंदा चला दिया गया था। जिंदगी और मौत के बीच 5 दिन चले द्वंद के बाद आज तड़के 4 बजे चौथराम अस्पताल में दम तोड़ा है। इंदौर के बीएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी की प्राचार्य विमुक्ता शर्मा जिंदगी की जंग हार गई है। बता दें कि इससे पहले आरोपित आशुतोष श्रीवास्तव पर कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने रासुका लगा दी। पुलिस ने आपराधिक के मामलों की जानकारी सहित रासुका का प्रस्ताव भेजा था। एडिशनल SP शशिकांत कनकने के मुताबिक विजय श्री नगर कालनी नगर निवासी आशुतोष पुत्र संतोष श्रीवास्तव को शुक्रवार दोपहर जिला कोर्ट पेश कर शनिवार तक रिमांड पर लिया गया है। अफसरों ने आरोपी से पूछताछ की और दोपहर की घटना स्थल पर ले गए। घटना का नाट्य रूपांतरण कर पाया गया और लाइटर बाइक और वो पलटी जब्त कर ली, जिससे आशुतोष ने विमुक्ता पर पेट्रोल डाला था।